अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस एपिसोड में हम 2.1 एक्सरसाइज से पहले एग्जांपल्स जो हैं उसमें 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा था डिफरेंशिएशन का और हम डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना सीख रहे हैं यूजिंग डेफिनेशन। सो लास्ट लेक्चर में हम डेफिनेशन ऑलरेडी सीख चुके हैं, मैं एक मरतबा फिर से उसको रीराइट कर देता हूँ। डेरिवेटिव की डेफिनेशन देखें, अगर आपके पास कोई भी फंक्शन है y इज इक्वल टू लेट्स से f ऑफ x, हम जानते हैं इसके डेरिवेटिव को हम dy वाई बाई डी एक्स से रिप्रेजेंट कर लेते हैं या फिर समटाइम्स इसको f प्राइम x भी लिख लिया जाता है या इसी तरह आप y प्राइम भी लिख सकते हैं। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन बेसिकली क्या है, लिमिट डेल x अप्रोचेस जीरो, ठीक है, उसके बाद फंक्शन में इंक्रीमेंट इनपुट में एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डेल एक्स। बेसिकली लिमिट की डेरिवेटिव की डेफिनेशन में लिमिट इन्वॉल्व है, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करती होगी तो हम डेरिवेटिव का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अगर ये किसी सूरत लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो इसका मतलब है उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, राइट। तो इस डेफिनेशन तक पहुंचने के लिए हमने 4 स्टेप्स फॉलो किए थे, आइए उनको देखते हैं। तो एग्जांपल नंबर 3 में फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 1/x² और डेरिवेटिव हमें एवेल्यूएट करना है एट x इज इक्वल टू -1, राइट। यानी पहले डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है और उसके बाद x में -1 पुट कर देना है। अब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि इसके 3 नेम है बेसिकली, आप डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन कह सकते हैं, आप डेरिवेटिव बाय ए बी इनिशियो मेथड कह सकते हैं या फिर डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, राइट। तो एक ही कॉन्सेप्ट के बेसिकली 3 नाम है। तो इस केस में फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू 1/x², फर्स्ट स्टेप में आपको x में इंक्रीमेंट करनी है, ठीक है। इंक्रीमेंट मतलब इसमें कुछ ऐड करना है समथिंग, तो जब आप x में ऐड करेंगे, चूंकि हमारा y x पे डिपेंड कर रहा है तो ऑटोमेटिकली y में भी आपको ऐड करना पड़ेगा। तो हम y में जो इंक्रीमेंट करते हैं उसको रिप्रेजेंट किया जाता है डेल y से, डेल y चेंज इन y बेसिकली। इसी तरह x की इंक्रीमेंट जब करेंगे तो x में आपको ऐड करना होगा डेल x, ये नोटेशन हम यूज करेंगे। डेल x का मतलब है सम चेंज इन x, ठीक है, x में इंक्रीमेंट करनी है, नॉट x स्केयर प्लस डेल x, x का स्केयर है, x में जब ऐड करेंगे तो वो होल स्केयर बन जाएगा, राइट। ये है फर्स्ट स्टेप, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है लेकिन स्टार्टिंग में चले हम इसको फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल 1 का नाम दे दूँ, इसे हम 2 का नाम दे देते हैं, तो बेसिकली हमें सबट्रैक्ट करना है 1 को 2 से। सो यू कैन जस्ट राइट सबट्रैक्टिंग 1 from 2, राइट। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वी गेट y प्लस डेल y, राइट साइड को राइट में से और लेफ्ट को लेफ्ट में से कर दें तो ये आ जाएगा y प्लस डेल y माइनस y, दिस इज इक्वल टू 1/x प्लस डेल x का स्केयर माइनस 1/x स्केयर, राइट साइड ऑफ 1 बेसिकली, राइट। ओके, सो अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, y और माइनस y कैंसिल आउट हो जाएंगे ऑन द लेफ्ट साइड, तो हमारे पास आ जाएगा जी डेल y इज इक्वल टू, अब आपको इसकी राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है, उसके लिए आप नीचे से एलसीएम ले सकते हैं, चूंकि इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो आप इनको एज इट इज प्रोडक्ट की फॉर्म में एलसीएम ले लें, एक्स स्केयर आ जाएगा साथ में एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्केयर, ठीक है। अब यहाँ ऊपर 1 है, नीचे ये x प्लस डेल x का स्केयर कैंसिल आउट हो जाएगा, x स्केयर को 1 से मल्टीप्लाई कर दें x स्केयर आ जाएगा, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा x प्लस डेल x का होल स्क्वायर, राइट। फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, न्यूमिरेटर में ये फॉर्मूला ओपन कीजिए, x स्केयर माइनस ये आ जाएगा x का स्केयर प्लस डेल x स्केयर प्लस 2 टाइम्स x डेल x, ठीक है। ओके, सो डिनोमिनेटर को फिलहाल एज इट इज रहने दें, विच इज एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस डेल एक्स होल स्क्वायर।
अब माइनस को उधर अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा एक्स स्केयर माइनस डेल एक्स स्क्वेयर, यानी साइन चेंज हो जाएंगे, एंड देन माइनस टू एक्स डेल एक्स एंड दिस डिवाइडेड बाय सेम टर्म नीचे भी आ जाएगी. ओके सो एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वेयर. न्यूमिरेटर में देखिए एक्स स्क्वेयर और माइनस एक्स स्क्वेयर सिफर हो जाएंगे, बाकी दो टर्म्स बची, दोनों में डेल एक्स कॉमन आ रहा है, बल्कि आप माइनस को भी बाहर ही लिख लीजिए, माइनस डेल एक्स कॉमन, बाकी बचेगा डेल एक्स प्लस का और यहाँ से टू एक्स. ठीक है, क्योंकि माइनस हम ऑलरेडी बाहर लिख चुके हैं, अंदर पॉजिटिव साइन हो जाएगा. दिस डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वेयर एंड दिस टर्म बेसिकली इक्वल टू डेल वाई. ये हमारा स्टेप टू है. नेक्स्ट स्टेप में, आई मीन स्टेप नंबर थ्री में, हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं बेसिकली डेल एक्स से दोनों तरफ. तो आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ थ्री. अच्छा, इसको थ्री का नाम दे सकते हैं आप, बोथ साइड्स ऑफ थ्री. इससे डिवाइड करना है डेल एक्स से, मतलब चेंज इन एक्स. ऑलराइट, सो ये बनेगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस डेल एक्स डिवाइडेड, सॉरी साथ में आ जाएगा डेल एक्स प्लस टू एक्स, दिस डिवाइडेड बाई जो आपने डेल एक्स से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, मतलब बाकी की जो दो टर्म्स हैं वो एज इट इज लिख लें, साथ में एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर. तो ये डेल एक्स ऊपर और नीचे से हो जाएंगे कैंसिल, कॉमन फैक्टर था. और नेक्स्ट व्हाट वी नीड टू डू स्टेप नंबर फोर में, इनफैक्ट ये लास्ट स्टेप है, इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे. ठीक है, बल्कि एक काम आप मजीद कर सकते हैं, एक मरतबा उसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर. सो ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स, थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएं तो कैंसिल करने के बाद ये आ जाएगा माइनस देन टू एक्स प्लस डेल एक्स. ठीक है, पॉजिटिव है ना, तो आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, साथ में एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर. नाउ अब आप स्टेप नंबर फोर पे आ जाइए, जिसमें हमें लिमिट अप्लाई करनी है. स्टेप फोर आप लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस जीरो. ये सब आपको मैं बता चुका हूँ क्यों हम डेल एक्स को जीरो का अप्रोच करते हैं. ठीक है, थ्योरी को हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं. तो डेल एक्स अप्रोचेस जीरो, ये लिमिट अप्लाई करें ऑन बोथ साइड्स ऑफ कोर्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस जीरो डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू सिमिलरली ऑन द राइट साइड लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस जीरो और फंक्शन आपके पास है माइनस देन टू एक्स प्लस डेल एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस डेल एक्स का होल स्क्वायर. नहीं जी, अब आप डेल एक्स की जगह पे जीरो पुट कर सकते हैं. सो न्यूमिरेटर में वी हैव माइनस टू एक्स प्लस जीरो डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड देन एक्स प्लस जीरो का स्क्वायर. तो सिंप्लीफाई करने पे हमें मिल जाएगा ऊपर माइनस टू एक्स और नीचे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर. ठीक है ना, एक्स प्लस जीरो एक्स होता है, स्क्वायर करेंगे स्क्वायर आ जाएगा. कटिंग कर लें, ऊपर एक्स की पावर वन है, नीचे एक्चुअली में फोर है टोटल, तो ये कैंसिल आउट होके बाकी थ्री बचेगी. सो ये आंसर आ जाएगा माइनस टू ओवर एक्स क्यूब. दिस इज द डेरिवेटिव. लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, आप लेफ्ट साइड को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स. नहीं जी, ये है आपके पास डेरिवेटिव गिवन फंक्शन का. एक और सी चीज़ साथ गिवन थी एंड विच इज़ बेसिकली डेरिवेटिव वैल्यूएट करना है एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. तो अब आप डेरिवेटिव एक्चुअली वैल्यूएट कर चुके हैं, माइनस वन पर करने के लिए आप जस्ट एक्स को रिप्लेस कर देंगे माइनस वन से. लिखने का तरीकाकार ये है, वर्टिकल लाइन और नीचे लिख लीजिए एक्स इज इक्वल टू माइनस वन. दिस इज इक्वल टू माइनस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन क्यूब
माइनस वन क्यूब होगा, माइनस वन के इक्वल माइनस को कैंसिल कीजिए ऊपर नीचे से, आंसर आ जाएगा टू। लें जी, दिस इज द आंसर। माइनस वन पे हमारा डेरिवेटिव आ रहा है प्लस का टू, ठीक है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्थ, जिसमें हमें डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है एक्स पावर टू बाई थ्री का, यानी ये फंक्शन है और उसकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है एट एक्स इज इक्वल टू एट, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले हमने आपको कुछ चीज़ मैं रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ। बेसिकली अगर आपको याद हो, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 8 में हमने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन पढ़ रखी है, ठीक है, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। अच्छा, यहाँ पर जो एन है ये नेगेटिव इंटीजर है या फ्रैक्शन है बेसिकली, ठीक है। एक बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा था वो आपने पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, अगर आपको याद हो तो, और ये भी बाइनोमियल के लिए ही है, मतलब दो टर्म्स जब ऐड हो रही हों तो उसकी पावर। बट इस मरतबा ये इंटीजर्स के लिए, सॉरी फ्रैक्शंस के लिए है और नेगेटिव नंबर्स के लिए है, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर वन का होना लाजमी है, ठीक है। दिस इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, मतलब पावर को मल्टीप्लाई कीजिए एक्स के साथ, प्लस एन टाइम्स एन माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, सॉरी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, प्लस एन टाइम्स एन माइनस वन एन माइनस टू डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल एक्स पावर थ्री प्लस सोन। यानी नेक्स्ट टर्म होगी इसकी एन एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल और एक्स की पावर फोर, और इसी तरीके से, ठीक है, ये चलता जाएगा। दिस इज बेसिकली एक्सपेंशन ऑफ वन प्लस एक्स टू द पावर एन। आप लिख सकते हैं दिस इज बायनोमियल एक्सपेंशन। तो इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में यूज करेंगे, चूंकि हमारे पास एक्स की पावर में टू बाई थ्री आ रहा है विच इज अ फ्रैक्शन नॉट एन इंटीजर, ठीक है। ऑलराइट, बाकी के लिए हम एज इट इज वही स्टेप्स को फॉलो करेंगे। फंक्शन गिवन है वाई इज इक्वल टू एक्स टू द पावर, सॉरी एक्स टू द पावर टू बाई थ्री, इसको आप वन का नाम दे सकते हैं। सबसे पहले हमें इंक्रीमेंट करना है, चेंज एक्स में, और चूंकि एक्स में करेंगे वाई आपके एक्स पे डिपेंड कर रहा है, वाई में भी करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा वाई प्लस डेल वाई। वाई के चेंज को हम डेल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं और एक्स के चेंज को डेल एक्स से, इट्स होल पावर टू बाई थ्री। इसको आप नाम दे दें लेट्स से टू का। ये हमारा स्टेप वन था। नेक्स्ट स्टेप में हमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो यू कैन जस्ट राइट सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम टू, यानी वन को टू से बेसिकली हमें माइनस करना है। तो ये बनेगा वाई प्लस डेल वाई, लेफ्ट साइड है, माइनस करें लेफ्ट साइड ऑफ वन, सिमिलरली राइट साइड ऑफ टू, एक्स प्लस डेल एक्स पावर टू बाई थ्री माइनस राइट साइड ऑफ वन विच इज एक्स पावर टू बाई थ्री, ठीक है। अच्छा, अब हमें थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए दिस इज पावर टू बाई थ्री, बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज करेंगे, लेकिन उसके लिए यहाँ पर वन का होना लाजमी है और वन बनाया जा सकता है। कैसे? आप एक्स को कॉमन ले सकते हैं। अब चूंकि एक्स की पावर है टू बाई थ्री तो वो भी साथ में बाहर आएगी, ठीक है ना। और लेफ्ट साइड पे वी हैव डेल वाई, चूंकि वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट हो रहे हैं। राइट साइड पे एक्स की पावर टू बाई थ्री यहाँ से आ जाएगी कॉमन, और बाकी बचेगा आपके पास वन प्लस, यहाँ पर चूंकि एक्स नहीं था तो उसको आप डिनोमिनेटर में लिख सकते हैं, डेल एक्स ओवर एक्स पावर टू बाई थ्री माइनस एक्स पावर टू बाई थ्री। अब इन दोनों टर्म्स में फिर से कुछ कॉमन आ रहा है विच इज एक्स की पावर टू बाई थ्री, टू बाई थ्री, और बाकी बचेगा वन प्लस डेल एक्स ओवर एक्स इट्स पावर टू बाई थ्री माइनस वन बचेगा बाकी, क्योंकि एक्स पावर टू बाई थ्री हम बाहर लिख चुके हैं। ऑलराइट, अब देखें आपके पास वही फॉर्म बन चुकी है वन प्लस एक्स टू द पावर सम एन। अब आप इसको ओपन करेंगे यूजिंग बाइनोमियल एक्सपेंशन। तो एक्स पावर टू बाई थ्री को ऐसे ही रहने दीजिए। सो दिस इज इक्वल टू वन प्लस एन एक्स, एन होती है पावर विच इज टू बाई थ्री हमारे केस में, साथ में एक्स आ जाएगा, एक्स का मतलब है जो वन के साथ ऐड हो रही टर्म बेसिकली। तो ये इस केस में है डेल एक्स ओवर एक्स,
सेकेंड थर्ड टर्म बल्कि क्या है n जो कि 2 बाई थ्री है, n माइनस वन 2 बाय थ्री माइनस वन डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, साथ में सेकेंड वाली टर्म का स्केयर है डेल एक्स ओवर एक्स का स्केयर। मजीद आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, उसकी एक वजह यह है कि आप जैसे जैसे आगे जाएंगे टर्म्स मज़ीद छोटी होती जाएंगी, क्योंकि डेल एक्स इंक्रीमेंट एक्स में जो कि बहुत छोटी वैल्यू है स्केयर करेंगे मज़ीद छोटी हो जाएगी। ठीक है, तो बस यहीं तक काफ़ी है, आप लिख सकते हैं प्लस सोल, ये वाला माइनस वन बाकी एज इट इज़ आ जाएगा। लें जी, सो वन और माइनस वन को आप कर सकते हैं कैंसिल, बेसिकली सिफर हो जाएगा, और बाकी की टर्म्स में अगर आप ऑब्जर्व करें तो डेल एक्स कॉमन है दोनों में, दो टर्म्स बच रही हैं ना जो हमने लिखी हुई हैं उन दोनों में डेल एक्स कॉमन है, आप उसको बाहर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ गोइंग टू बी एक्स पावर 2 बाई थ्री मल्टीप्लाई डेल एक्स, बाकी बचेगा यहाँ से 2 डिवाइडेड बाई 3x प्लस। अच्छा, इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे ना, 2 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 2 के इक्वल होता है, तो ये वाला 2 ऊपर वाले 2 से हो जाएगा कैंसल, ऊपर बचेगा 1 बाय 3, नीचे चूंकि कुछ भी नहीं है तो आप इसको बजाय के फ्रैक्शन में लिखने के नीचे ही लिख सकते हैं, आई मीन 1 बाय 3, और साथ में है 2 बाय 3 माइनस 1, इसको जब आप माइनस करेंगे यूजिंग एलसीएम लेंगे तो ये 3 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2 माइनस 3, और यहाँ से एक डेल एक्स बाहर जा चुका है, बाकी एक बचेगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्केयर ही आएगा, आई मीन डेल एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस सोन। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है तो ये आ जाएगा डेल वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई डेल एक्स और 2 बाई 3x, यहाँ से देखिए 2 माइनस 3 सिंपली माइनस 1 आ जाएगा, और नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 इज गोइंग टू बी 9, तो ये आ जाएगा माइनस 1 ओवर 9 साथ में डेल एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस सोल। ले जी, फर्दर इसमें सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है। अब हम चलते हैं अपने सेकेंड लास्ट स्टेप पे, जिसमें हम डिवाइड किया करते हैं दोनों तरफ में डेल एक्स के साथ, आप लिख सकते हैं डिवाइडिंग, इसको 3 का नाम दे लें आप, डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ 3, बोथ साइड्स ऑफ 3 बाय डेल एक्स। ऑलराइट, ओके, सो ये आ जाएगा डेल वाई ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू, बजाय आप पूरी टर्म के नीचे डिवाइड करके डेल एक्स लिखना चाहें आप इसको अलग से लिख सकते हैं 1 ओवर डेल एक्स, और बाकी ये टर्म एज इट इज लिखने साथ एक्स पावर 2 बाई 3 देन वी हैव डेल एक्स, और इसी तरीके से 2 डिवाइडेड बाई 3x माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर, एक फ्रैक्शन में भी लिखा जा सकता है प्लस सोन। ठीक है, ओके, डेल एक्स और डेल एक्स हो जाएंगे कैंसल आउट आपस में, और बाकी की जो टर्म हमारे पास बचेगी दैट इज गोइंग टू बी डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू एक्स पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 बाई 3 टाइम्स एक्स माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस सो। नहीं जी, अब हमारा आ गया नेक्स्ट फाइनल स्टेप, जिसमें हम लिमिट अप्लाई किया करते हैं, स्टेप नंबर 4, टेकिंग लिमिट एज डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0 ऑफ कोर्स ऑन बोथ साइड्स, तो दिस इज गोइंग टू बी लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस 0, ऑन द लेफ्ट वी हैव डेल वाई ओवर डेल एक्स, दिस इज इक्वल टू अगेन लिमिट ऑन द राइट साइड डेल एक्स अप्रोचेस 0 एंड वी हैव एक्स पावर 2 बाई 3 मल्टीप्लाई 2 ओवर 3x माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई 9x स्क्वायर प्लस सो ऑन। ठीक है, तो आप डेल एक्स की जगह पर 0 लगा सकते हैं। अब देखें इस टर्म के आगे जितनी भी टर्म्स हैं ना उनके न्यूमिरेटर में भी डेल एक्स आ रहा है, इसके बाद आएगा डेल एक्स का स्केयर, उसके बाद क्यूब 4 एंड देन सो ऑन,
जब आप जीरो पुट करेंगे तो सब की सब जीरो हो जाएंगी, ना सिर्फ ये जीरो होगी बल्कि इससे अगली टर्म्स भी आपकी सब जीरो हो जाएंगी। तो x पावर 2/3, 2/3x माइनस जीरो एंड दैट्स इट। अब 2/3x माइनस जीरो सिंपली 2/3x ही बनेगा। x और x में आपकी पावर्स जो है ना बेस सेम है, पावर्स को आप ऐड कर सकते हैं। उसके लिए इस x को ऊपर शिफ्ट कीजिए, x पावर 2/3 साथ में आ जाएगा 2/3 एंड x पावर माइनस वन। 2/3 में से 1 को माइनस कर दें आप, तो दिस इज गोइंग टू बी 2/3 एक्स पावर 2/3 माइनस वन। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर में आएगा 2/3 एक्स पावर माइनस 1/3। एलसीएम लेंगे ना, पहले भी हम इस तरह का एक एलसीएम ले चुके हैं, तो दिस इज गोइंग टू बी एक्स पावर माइनस 1/3 और लिमिट एग्जिस्ट कर चुकी है तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, माइनस मैंने लिखना चाहते तो इसको डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं, 2/3 टाइम्स एक्स पावर 1/3। मतलब डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। नहीं जी, दिस इज द आंसर, ये है इसका डेरिवेटिव। बट अगर आप नोट करें तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है हमें डेरिवेटिव वैल्यूएट करना है एट एक्स इज इक्वल टू 8। तो उसके लिए फिर हमें फाइनली एक्स की जगह पर 8 पुट करना होगा। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स, अगर तो सिर्फ डेरिवेटिव एवेल्यूएट करना है फिर इतना काफ़ी है, लेकिन हमारे केस में चूंकि हमने एक्स इज इक्वल टू 8 पर डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है तो वी विल जस्ट रिप्लेस एक्स बाई 8, ये आ जाएगा 8/1/3। अच्छा, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3, 2 का क्यूब ही होता है ना बेसिकली, तो ये आ जाएगा 2³ इट्स होल पावर 1/3। तो ये देखें पावर्स कैंसिल आउट हो रही हैं 3 से, बाकी बचेगा 2/3 × 2, तो ये भी आपके पास 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, द आंसर इज गोइंग टू बी 1/3। दिस इज द आंसर। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ हम आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से हम एक्सरसाइज 2.1 को स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।